से जुड़ी ये बड़ी खबर है। लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर आत्मदाह की कोशिश की गई है। जी हां, समाजवादी पार्टी के नेता ने आत्मदाह की कोशिश की है। एसपी नेता ठाकुर आदित्य जुनूनी ने खुद पर पेट्रोल डाला। टिकट नहीं मिलने की वजह से आत्मदाह का प्रयास किया गया। अलीगढ़ के चरा सीट से टिकट की मांग कर रहे थे ठाकुर आदित्य। लखनऊ पुलिस ने ठाकुर आदित्य को हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। काफी हंगामा यहां पर किया गया। लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर आत्मदाह की कोशिश की गई। समाजवादी पार्टी के नेता ने आत्मदाह की कोशिश की। दरअसल ये सपा नेता हैं ठाकुर आदित्य, जिन्होंने खुद पर पेट्रोल डाला। टिकट नहीं मिलने की वजह से आत्मदाह का प्रयास किया गया। नाराज है चूंकि टिकट नहीं मिला और इसी वजह से यहां पर आत्मदाह की कोशिश उन्होंने की अपने ऊपर पेट्रोल डालकर। अलीगढ़ के छर्रा सीट से दरअसल ठाकुर आदित्य टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आज एसपी दफ्तर के बाहर आत्मदाह की कोशिश की। हमें रिहाई नहीं मिला, हमारा टिकट काट दिया गया है। हम लोगों पे हजारों मुकदमे हैं। शुभम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, एसपी दफ्तर के बाहर आत्मदाह की कोशिश, समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से टिकट नहीं दिया गया, इस तरह की बातें कह रहे हैं और इसीलिए आत्मदाह की कोशिश की गई। अभी वहां पर क्या सिचुएशन है? देखिए, इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ में जो समाजवादी पार्टी का प्रदेश कार्यालय है वहां पर मौजूद हैं। और अगर इस पूरे घटनाक्रम की बात करें तो आज सुबह यहां पर भारी पुलिस बल समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर तैनात किया था, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन लास्ट में जब स्वामी प्रसाद मौर्य की ज्वाइनिंग हुई थी तो उस दौरान नहीं हो पाया था। तो इसका फायदा इस तौर पर मिला कि आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर अलीगढ़ के छर्रा विधानसभा से एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे आदित्य ठाकुर, जो वहां से टिकट चाहते थे, लेकिन पार्टी हाईकमान की तरफ से किसी और उम्मीदवार को वहां के लिए बेहतर समझा गया। तो ऐसे में उनकी उम्मीदें थी करीब 4-5 साल से कि उस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्टी हाईकमान की तरफ से जो भी समीकरण देखे गए हों उस वजह से उनको टिकट नहीं मिला, जिसको लेकर के उनकी नाराजगी थी। उनकी शायद बातचीत नहीं हो पाई पार्टी के पदाधिकारियों से। तो ऐसे में इस नाराजगी को की वजह से वो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर निकले और खुद पेट्रोल डालकर आग लगाने लगे। मौके पर राहत की बात यह रही कि पुलिस मौजूद थी, तो किसी भी तरह की कोई हताहत नहीं हुई और तुरंत ही वहां पर पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और उनको वहां से लेकर के गिरफ्तार कर लिया। जी शुक्रिया आपका शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और